नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। चीन के ड्रैगन ने भारत के लाल आंख वाले प्रधानमंत्री को अब सीधे तौर पर आंख दिखा दी है। हमने पहले भी बताया था, हम लगातार खबरों के जरिए आपको बताते हुए नजर आ रहे थे कि चाइना जो है वो भारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाइना भारत के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, चाइना लगातार ड्रोन भेज रहा है हमारे जो वायु बॉर्डर पे, लगातार अपने ड्रोन भेज रहा है और लगातार देखिए कि वो सियाचेन में अपने गांव को भी भरा रहा है। गलवान घाटी में देखे 15 स्थानों के नाम उसने बदल दिए। लगातार चीन यहाँ पर कब्जा कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन से समझौता हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन अपना दोस्त है, उसे ला करके सी जिनपिंग को भारत में हमारे प्रधानमंत्री झूला झूला रहे हैं। सोचिए कि प्रधानमंत्री जो 56 इंच की छाती होने का दावा करते हैं, उनके जो है यहाँ पर साफ सीधे तौर पर किस तरीके से डर नजर आ रहा है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो थूक सटक रहे हैं। वहीं केंद्र रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा डरे वे नजर आ रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि चीन ने हमारे साथ छेड़खानी की है तो अब हम उनपे बदले में क्या करेंगे, उन पर कार्यवाही क्या करेंगे, क्योंकि समझौते की बात करके तो आपने लोगों को शांत कर दिया लेकिन चीन तो समझौते पर राजी नहीं नजर आ रहा है। तो अब भारत जवाबी हमला कब करेगा, इस चीज के लिए जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि आप राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर जो है यहां पर आपने सरकार बनाई थी, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे आप उठाते हुए आए थे, तो आज जब राष्ट्र की सुरक्षा में जो खलल हुआ है तो उस पर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना छोटा क्यों हो गया है, यह सवाल है। और इसी सवाल के साथ कुछ लोगों के मन में है कि 8 और 9 दिसंबर को चीन में जो क्लैश हुआ है वो आखिर उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या कुछ हुआ है उस पूरे हमले में, उसको बताने के लिए हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए उस रिपोर्ट में कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में बता रहा है कि किस तरीके से 8 और 9 दिसंबर के बाद क्या हुआ और क्यों चीन ऐसा कर रहा था और कहां कहां चीन कब्जा करने का षड्यंत्र बना रहा है, देखिए रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच 8 और 9 दिसंबर को जो क्लैश हुआ है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने की तैयारी में नहीं नजर आ रही है। विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने चीन के साथ समझौते और अच्छे रिश्ते होने के दावे किए थे, लेकिन उसके बाद भी चीन लगातार भारत के साथ छेड़खानी कर रहा है, या कह सकते हैं कि चीन का ड्रैगन भारत के लाल आंख वाले प्रधानमंत्री को आंख दिखाने की दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस दौरान हाथापाई भी हुई, चीनी सैनिकों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई, भारतीय सैनिकों ने तुरंत और जवानों को बुलाया, ये सभी पास में थे और तेजी से झड़प वाली जगह पर आ गए। इसके बाद भारतीय सैनिकों में सेना सीमा को लेकर दोनों देशों की अलग अलग धारणा है। 2006 से इन क्षेत्रों में दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं और दावे की जगह तक दोनों पक्ष की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीनी सेना LAC पर यांगत्से के पास काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार ऐसे मौके आए जब भारतीय सीमा की ओर चीन के ड्रोन को देखकर वायुसेना ने लड़ाकू विमान तैनात किए। भारत की ओर से चीन का जवाब देने के लिए सुखोई 30 विमान तैनात किए गए थे। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सोची समझी साजिश के तहत 300 चीनी सैनिक यांगत्से इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कंटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो देखा आपने कि कैसे चीन लगातार भारत को आंख दिखा रहा है,
चीनी ड्रैगन जो है वो भारत के 56 इंच के सीने से नहीं डर रहा है। भारत में उसे बुलाकर झूला तो झुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के लिए सी जिनपिंग जो है एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। संविधान बदल कर चीन के सी जिनपिंग ने अपने 15 साल और राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन सी जिनपिंग जब तक चीन के राष्ट्रपति है तब तक भारत के लिए खतरा बना रहेगा। सी जिनपिंग से दोस्ती की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता होना चाहिए ये बात कि अभी भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का साथ देते हुए यहाँ पर चीन भी नजर आएगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।